रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? चलें, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसमें अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा के बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है। मैंने कल जो लेक्चर दिया उसके अखीर में मैंने तमाम स्टूडेंट से ये कहा था कि वो इसके इब्तदाई हालात और खिलाफत और इसका पहला खुतबा एक नज़र देख लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने देख लिया होगा। ताहम आज हम इसको बाकायदा आगाज़ करते हैं। अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ा, जो कि ख़ानदानी बनू अब्बास का पहला हुक्मरान है, इसका नाम जैसे कि लिखा हुआ अबुल अब्बास अब्दुल्ला अस्सफ़ा, तो अस्सफ़ा जो है ये इसका लक़ब था, जिसके मतलब हैं खून रेज के, यानी बहुत ज़्यादा सफ़ाक, बहुत ज़ालिम, खून बहाने वाला। तो इस शख्स ने ख़ानदानी बनू उमैया के जितने हामी, जितने उनके लोग बचे थे, उन सब को चुन चुन कर इसने मरवाया, उनको कत्ल कर दिया, उनसे इंतकाम लिया। लिहाजा इसको, ये अपने आप को बड़े फ़ख्र के साथ अस्सफ़ा कहा करता था, और यही वजह है कि तारीख़ में वो अपने नाम के साथ, इस लक़ब के साथ भी मशहूर हुआ। अगर इसके इब्तदाई हालात को देखें तो ये मोहम्मद बिन अली अब्बासी का बेटा था, और इसकी पैदाइश हमीमा में हुई थी, जो मदीना और शाम के दरमियान एक कस्बा था। और ये अब्बासियों में अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास ही वो पहले शख्स थे जो इस इलाके में आकर आबाद हुए थे, और इनको ये इलाका ख़ानदान बनू उमैया ने जागीर के तौर पर दिया था। अच्छा जी, सफ़ा ने यहीं से अपनी तालीम हासिल की। वो बहुत ही बड़ा लिखा और बाज़ोक इंसान था, और अलामा सयूती के बकौल उसने अपने भाई इब्राहिम से अहादीस पढ़ी थी, और उसकी ज़बानी उसके चचा ईसा बिन अली ने रिवायात की। उसकी वालदा का नाम रायतातुल हारसिया था। वो उम्र में अपने भाई मंसूर से छोटा था, लेकिन उसको मंसूर से पहले इकतदार मिला, और वो ख़ानदान बनू अब्बास का पहला हुक्मरान बना। उसके पीछे भी एक तारीख़ है, वो कुछ ऐसे है कि जब एक अब्बासी दाई अबू मोहम्मद सादिक खुरासानी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर की ये बात है, कि चंद बाअसर लोगों के साथ मोहम्मद बिन अली अब्बासी को मिलने आया, तो वो अपने इस लड़के यानी अब्दुल्ला को उठा कर ले आए और लोगों से कहा कि ये तुम्हारा सरदार है। हालांकि उस वक्त बच्चे की उम्र महज 15 दिन थी। यही वजह थी कि उम्र में अपने दीगर भाइयों से छोटा होने के बावजूद पहला अब्बासी खलीफा नामज़द किया गया और उसको मुंतखब भी किया। खिलाफत के हवाले से भी देखें तो इन लोगों को हज़रत पाक सल्लम की एक हदीस याद थी, जो कि तबरी और अलामा सयूती के बकौल जो है वो महफूज है। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़रमाया था कि खिलाफत इन लोगों में मुंतकिल होगी, यानी अब्बास की औलादों में मुंतकिल होगी। लिहाजा शुरू से ही इनको ये तवक्को थी कि हमारे पास जो खिलाफत है वो ज़रूर पहुँचेगी। लिहाजा जो इमाम इब्राहिम है, उन्होंने अपनी वफ़ात से कबल अबुल अब्बास अस्सफ़ा और अबू जाफ़र मंसूर को वसीयत की कि वो हमीमा से कूफा मुंतकिल हों, और अगर ये दोनों भाई बर वक्त कूफा ना पहुँचते तो ऐन मुमकिन था कि तमाम की तमाम कोशिशें रायगां जाती। लेकिन इन्होंने उस बात पर अमल किया, और इन्होंने उसी वक्त हमीमा से कूफा मुंतकिल हुए, जहाँ पर अबू मुस्लिम खुरासानी भी पहुँचा, और उसने फौरन ही इनकी खिलाफत का ऐलान किया और लोगों से इनकी खिलाफत की बैत भी हासिल की।